वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं हम पार्ट थ्री। कल का थोड़ा सा वर्क के वर्कर से हमने सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस देखा था। अब आज हम देखने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टी को मैं सीधा सा ही आपको समझा देता हूँ। आपको अगर यहाँ पे बुक के अंदर देखोगे तो दिस इज योर फिजिकल प्रॉपर्टी। सी, व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन? मैंने बताया था ना आपको कि प्रॉपर्टी के अंदर दो प्रॉपर्टीज आती है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मतलब कलर, टेम्परेचर, कलर ऑर्डर, या तो बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, है ना, टेस्ट, ये सब जो होता है वो किस में आता है? फिजिकल, जो हमें फिजिकली मतलब ओरली चेक कर सकते हो आप लोग, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। डाइहाइड्रोजन गैस हम सब ने देखा है, कहाँ पे देखा है? तो वो जो बलून वाला बलून लेके आता है ना, और बलून में सपोज हमने हाइड्रोजन गैस भरा है ऐसा समझ लेने का, ओके, ऐसा बढ़िया सा बलून है, वो ऊपर की ओर ही उड़ता रहता है। तो ये है आपका बलून जिसमें अंदर क्या कौन सा गैस फिलअप किया जाता है, H2 गैस। उसका कैसा होता है दोस्तों वो? तो देखो, जो इस आपने वो देखा है उसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती है क्या? वो कलरलेस है, हाँ वो गैस कलरलेस है, दिखता नहीं है, ऑर्डर उसमें से कोई नहीं आता, टेस्ट भी नहीं होता, कभी किया तो है नहीं लेकिन आता भी नहीं है। कंबस्टिबल है, इसका मतलब क्या कि वो जल सकता है तुरंत ही, उसको अगर कहीं से वो मौका मिल जाएगा तो वो तुरंत ही क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, जलने लगेगा। इट इज़ लाइटर देन एयर, एयर के एयर से लाइटर है, इसीलिए तो ये ऊपर जाता है। ये बलून ऑलवेज ऊपर क्यों जाता है? हमें कभी कभी छोटे छोटे बच्चे थे तब क्वेश्चन होता था, आज भी होता होगा कि भाई ये बलून जो है, कुछ बलून ऐसे होते हैं हवा भर के हमने फूंक मार के जो भरा है वो उड़ता नहीं है अपने आप, लेकिन ये 10 रुपये 20 रुपये वाला जो देता है वो क्यों उड़ता है? तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी हमें होता रहता है। तो उसका रीज़न भी यही है दोस्तों कि भाई वो लाइटर गैस जितना होता है उतना ही वो गैस एयर से लाइटर है तो ऊपर ही जाएगा। ऑलवेज याद रख लो कि अगर आप ऐसा समझते हो कि भाई कोई गैस, ये हमारा एटमोसफियर है उसमें ये O2 और N2 है ना, लेकिन अगर इससे भी लाइटर गैस है तो वो कहाँ रहेगा? ऊपर, यहाँ पे, समझ में आया? इसीलिए वो क्या सोचता है, बलून जो है वो लाइटर होने की वजह से ये एयर से कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। चलो आगे देखते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी भी आई, तो पानी में वो सॉल्युबल नहीं होता दोस्तों। क्यों नहीं होता पता है आपको? H2 को अगर हम पानी में डालेंगे, डाइहाइड्रोजन गैस को, तो वो इनसॉल्युबल है। क्यों ऐसा है वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस पानी के अंदर सॉल्युबल होता है उसका रीज़न क्या होता है? प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा। वाटर इज द पोलर मॉलिक्यूल, वाटर कैसा है? पोलर। लेकिन ये आपका H2 जो है वो क्या है? नॉन पोलर है। सर कैसे पता चलेगा? भाई एलिमेंट नॉन पोलर ही होते हैं क्योंकि उसमें सेम एलिमेंट है, सेम एटम्स है, और ड्यू टू सेम एटम्स दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, इसीलिए वो कोई एक दूसरे के से के जो इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड के, वो अपनी तरह ज़्यादा कम खींचते नहीं है, इसीलिए क्या होगा कि वो प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा नहीं बनाता, वो नॉन पोलर। नॉन पोलर नेवर मैच विथ पोलर, और इसीलिए हमें इतना ध्यान में रखना है, कोई सब्सटेंस पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, घुल मिल जाता है, तो उसके साथ वो अट्रैक्टेड होता है, समझ लेना ऐसा। अगर वो नहीं होता है तो उसके साथ वो खुद पोलर है तो सामने वाला क्या होना चाहिए? नॉन पोलर। तो इतना ध्यान में रखो, इनसॉल्युबल लिखा है, इसका मीनिंग क्या निकालोगे आप? डाइहाइड्रोजन इज नॉन पोलर। क्लियर? तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखोगे। आगे देख लेते हैं, देखो इधर, इट्स अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विथ
दोस्त आप लोग नोट भी कर सकते हो सॉल्युबिलिटी से आपको क्या जानने को मिलता है, सॉल्युबिलिटी विथ वाटर। दोस्त ड्यूटेरियम आर गिवन इन टेबल दिस, ये सब का जो है प्रॉपर्टीज वो हमें टेबल में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, क्योंकि आपको सिर्फ इतना लगे सर इसमें सॉल्युबिलिटी में हमें याद रखना है ना, उसमें समझना थोड़ी होता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्यों है और क्यों नहीं है वो भी समझना जरूरी है। लाइटर है तो क्यों लाइटर है वो भी है, टेस्ट तो आपने किया हुआ है इसीलिए आपको पता है, कलर देखा है, कंबस्टिबल है, मैंने अभी कल बताया था कि वो अगर ऐसे स्पार्क होगा और फूटेगा तो वो जलने भी लगता है वो गैस। अब आजकल वो हाइड्रोजन गैस यूज़ नहीं करते, हीलियम करते हैं, तो सर हीलियम भारी है। और दो तीन बच्चों को ये क्वेश्चन हुआ कि सर एयर से हल्का है, ऐसा पता कैसे चला, क्या वो वेट बैलेंस पे उसका वजन किया? तो उसका हमें अगर पता करना है तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला ये है और एयर का जो फॉर्मूला होता है, एयर का फॉर्मूला किसी को पता है दोस्तों? एयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता दोस्तों, उसमें ज़्यादातर N2 एंड O2 रहते हैं, याद है कि नहीं? ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन, अरे सॉरी ऑक्सीजन, हाँ 21 और 68% नाइट्रोजन होता है, इसका 78% गलती हो गई। तो यहाँ पे डाईहाइड्रोजन जो है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2 ग्राम पर मोल। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 32 ग्राम, और नाइट्रोजन का 28 ग्राम पर मोल। समझ में आया? दिखाई दे रहा है आपको? मैंने कहाँ पे लिखा? राइट साइड पे लिखा है। कभी कभी सर कहाँ लिख लेते हैं आप पता नहीं चलता, तो जहाँ जगह दिखेगी वहाँ पे लिखेंगे। तो देखो इधर दोस्तों, अब ये 2 ग्राम उसका मास है और उसका मास कितना है? 32 एंड 24 8। तो ये आपका हाइड्रोजन क्या होगा? हल्का ही होगा ना, इससे इसीलिए ऊपर जाता है। अब बात आ रही सर, आपने बोला था कि हीलियम यूज़ किया जाता है आजकल, हीलियम का मास क्या है? तो 4 2 HE4 है ना, तो 4 है उसका एटॉमिक मास, तो इसीलिए हीलियम सर HE2 होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं, आप लोग बताओ मुझे। नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो नोबेल गैस है, इनर्ट गैसेस है, इनर्ट है तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो वन मैन आर्मी रहता है। आपके 18 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, वो ऑलवेज वन मैन आर्मी रहते हैं। उसमें जेनन थोड़ा सा रिएक्टिव है, बाकी सब ऑलमोस्ट वन मैन अकेले रहते हैं। तो इसका मास तो कितना हो गया? 4। तो कंपेरेटिवली 32 एंड 28 इट इज़ वेरी लेस। ऑल्सो हीलियम इज़ द लाइटर गैस देन एयर। ओके, तो हम ऐसा समझ सकते हैं। ओके हो, तो हम केमिकल प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं दोस्तों। द केमिकल बिहेवियर डाइहाइड्रोजन एंड इट्स मैटर एनी मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड टू द लार्ज एक्सटेंट, वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, बाय बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। भाई हमें अगर H2 का रिएक्शन करना है किसी के साथ, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स व्हाट? योर H2 रिएक्ट विथ समथिंग गिव्स प्रोडक्ट। बस इतना ध्यान में रखना है, जिसकी रिएक्टिविटी होती है वो पहले आता है, हैं? और बाकी उसकी रिएक्शन हम किसके किसके साथ करते हैं वो इसके अंदर ध्यान में रखना है। लेकिन वो रिएक्शन करेगा कब? हाँ, ये हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा कब? जब H और H बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो रिएक्शन करेगा, क्योंकि वही तो हाइड्रोजन जुड़ना है ना किसी के साथ। तो सबसे पहले बात क्या आती है? ये डिसोसिएशन करना बॉन्ड को। तो इसीलिए हमें ये समझना होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और एक चीज़ बहुत बढ़िया है दोस्तों, ये देखना आप लोग, एक नई बात आज जानने वाले हो। द H H बॉन्ड मतलब H और H के
बॉन्ड है वो बॉन्ड एसोसिएटेड एसोसिएशन एंथैल्पी इज हायर फॉर द सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम ऑफ एनी एलिमेंट। अच्छा, इनकी जो एसोसिएशन एंथैल्पी है, ये जब जुड़ते हैं तब की बात है, तो उतनी ही तो रिमूव होती है ना, तो ये कितनी ज़्यादा है, ऐसा सिंगल बॉन्डेड किसी भी एलिमेंट की इनके जितनी नहीं है। इसका रीज़न क्या होगा कि हाइड्रोजन भी स्मॉल, दूसरा हाइड्रोजन भी स्मॉल, तो ये दोनों बहुत ही एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, उसका बॉन्ड लेंथ भी कम होता है, इसीलिए उनकी बॉन्ड एंथैल्पी किसी भी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट होते हैं ना उससे सबसे ज़्यादा है। What inference would you draw from that this fact? क्या समझ सकते हो इसके लिए? तो यही ना, वो स्मॉल है और वो वेरी नियर टू ईच अदर, तो सी हियर, इट इज़ बिकॉज ऑफ फैक्टर्स दिस फैक्टर दैट अ डिसोसिएशन ऑफ डाईहाइड्रोजन इन टू इट्स एटम इज ओनली 10%। भाई ये क्या लिखा है कि अगर आपको डाईहाइड्रोजन को डिसोसिएट करना है कितने परसेंट, इतना परसेंट, तो दोस्तों कितना टेम्परेचर चाहिए सोचो। अगर आपको क्या चाहिए, डिसोसिएशन करना है आपको, हाँ, तो मित्रों यहाँ पे अगर आप डिसोसिएशन करना चाहते हो तो समझ लो कि भाई इतना डिसोसिएशन के लिए 2000 केल्विन चाहिए, लेकिन अगर आपको बढ़ाना है कितना करना है, 95.5% करना है, तो ओनली कितना केल्विन करना होगा। इसका क्या मीनिंग हुआ दोस्तों, ये इजीली टूट जाता है, ऐसा हुआ नहीं, टूटता, इतना ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं फिर भी ये नहीं टूटता। Also, it relatively inert at room temperature. Room temperature पे ये कैसा है, inert है। Okay. चलो, तो ये बात हो जाती है। इसके अंदर आपको ये भी बताया है, देखो कि भाई द हायर हाई एच एच बॉन्ड एंथैल्पी दस द एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस टू हायर टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक आर्क। अच्छा, अगर आपको ये ज़्यादा लग रही है एच एच बॉन्ड तोड़ने की एंथैल्पी, तो दूसरे भी ऑप्शंस है दोस्तों, इसको हाई टेम्परेचर तो देते ही है, और आप इसके अंदर और क्या ऐड कर सकते हो कि जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हो। वी कैन यूज इलेक्ट्रिक आर्क ऑल्सो टू ब्रेक एच एच बॉन्ड। नहीं समझे, समझ जाना है। ऑल्सो यूवी रेडिएशन, ऑल्सो वी आर यूजिंग यूवी रेडिएशन। चलो दोस्तों, ये दो चीज, तीन चीज आप कर सकते हो हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए। अब टेम्परेचर से ज़्यादा मामला सेट नहीं होता ना, तो उसको क्या देना पड़ता है, करंट देना पड़ता है, और करंट से भी नहीं मेल पड़ता तो यूवी रेस से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। रेडी दोस्तों, आर यू रेडी? अगर आपका हाइड्रोजन दो प्रोसेस में से पास हो सकता है, एच इज gain electron it convert into H minus, and if H loses electron then it become H plus ion। चलो दोस्तों, कुछ समझ में आया आपको? चलो मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s1 है, सबको जानते हो है ना, तो ये जो होगा कौन, वन हाइड्रोजन माइनस, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, और हाइड्रोजन ये भी 1s1 है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ प्रोटॉन बचेगा ना,
क्योंकि उसमें 1s एम्प्टी है, 1s जीरो, समझ में आया? तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो दूसरी चीज़, ये एच माइनस को क्या बोला जाता है, किसी को पता है इसका नाम? इट इज कॉल्ड हाइड्राइड। जो नेगेटिव होगा ना तो उसको हाइड्राइड बोलेंगे हम। और व्हाट इज द नेम ऑफ एच प्लस आयन? हाइड्रोजन आयन। और H3O प्लस अगर होता है तो हाइड्रोनियम। ओके चलो, ओके ओके अब हम जा रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर, केमिकल रिएक्शंस करने के लिए। तो आप लोग रेडी हो तो चलो देखते हैं इधर, है ना? तो ये समझ में आया, वो थियोरी पार्ट था हमारा। चलो हम सिर्फ सबसे पहले H2 को बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बीच में। तो H2 रिएक्ट विथ O2, X2 जो भी लेना है भाई। आपने देखो, हाइड्रोजन बहुत सारी जगह पे रिएक्शन करके बहुत सारी प्रोडक्ट बना सकता है, आपको ये पता होगा, है ना? चलो हमने इसको O2 के साथ रिएक्ट करना चाहा। दूसरा क्या है दोस्तों? रिएक्शन विथ हेलोजन X2। फिर क्या है? रिएक्शन विथ N2, है ना? फिर क्या है? रिएक्शन विथ मेटल। M मतलब मेटल, वो तो समझ सकते होंगे आप लोग, यस और नॉट? प्रोडक्ट क्या बनती है वो बाद में सोचते हैं। रिएक्शन विथ मेटल आयन, हाँ, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड MXOY, चलेगा कि नहीं? चलाना पड़ेगा। रिएक्शन विथ वेजिटेबल ऑयल, है ना? यस, एक बज गया सर। हाँ, बज गया दोस्तों। तो चलो उसको हम यहाँ पे उसकी जगह सेट कर लेते हैं कहीं पे। विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड विथ O2 तो है ही। चलो दोस्तों, वैसे जनरली थोड़ा सा बड़ा अगर स्ट्रक्चर दिखाया होगा हमें तो ये अच्छे से हम डिफाइन कर सकते हैं इनको। चलो सबसे पहले हम देखते हैं O2 के साथ। आपको अगर बुक में बुक की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी इसके लिए, इतना सोच लो कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ O2, तो ये H और O वाला कोई कंपाउंड बनेगा, तो वो क्या हो सकता है? पानी ही हो सकता है, यस और नॉट? और यहाँ पे हमें ये बता दिया उसने, हम यहाँ पे या तो हीट कर सकते हैं या तो कैटलिस्ट ले सकते हैं, समझ में आया? चलो H2 लिक्विड मिल गया हमें, उसका डेल्टा H हमें दिया है 285 पॉइंट किलो जूल पर मोल। ऐसा क्यों हुआ, माइनस क्यों हुआ? ये बॉन्ड फॉर्मेशन, समझ में आया? H2 और O2 जो है उसमें से H2O बन रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए ये आपको ऐसा मिलेगा। चलो H2 के साथ X2 मतलब H और X, X की जगह हम क्या ले सकते हैं? FClBri, ऐसा लिखा तो समझ में तो आया ना कि यहाँ पे अगर आपने HF लिया है तो
तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HI है तो हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके सर, हमें इसको हाइड्रोजन क्लोराइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये कब यूज़ करते हैं वर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड, कब यूज करते हैं हम? तो दोस्तों जब आपने ये HCl को पानी में लिया है ना, तभी वो H प्लस रिलीज करता है। HX जब है गैसियस फॉर्म में तो वो एसिड नहीं है, मतलब वो H प्लस उसने दिया नहीं है। सो वी कैन नॉट से इट इज एसिडिक, बट इसीलिए उसको एसिड नहीं बोला जाता। क्या नहीं बोला जाता? एसिड। तो इसीलिए तब उसको क्या बोलोगे आप? हाइड्रोजन हैलाइड। अदरवाइज पानी के अंदर ये सब एसिड बन जाएंगे। चलो रेडी दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा है उन्होंने, क्लोरीन जो है वो डार्क में रिएक्शन करता है और क्लोरीन जो है, अरे सॉरी, आयोडीन जो है, आयोडीन वो कैसा है रिएक्शन? कैटलिस्ट चाहिए उसको। ये डार्क में रिएक्शन क्यों करना पड़ता है फ्लोरीन के साथ? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव बन जाता है, इसीलिए अगर सनलाइट भी अगर उसको मिलती है तो भी वो फटाक से रिएक्ट करके वो कुछ ना कुछ और बना लेता है। चलो ये क्लियर हो गया है HX वाला। अब N2 के साथ अगर हम सोचेंगे तो Fe कैटलिस्ट होता है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का कंपाउंड कौन सा बनेगा? NH3। क्यों NH3 बनेगा? यस, क्योंकि एक नाइट्रोजन है -3 बनेगा और हाइड्रोजन +1 बनेगा। तो अगर बैलेंस करना चाहोगे तो ये आपका 3 होगा ना, इसके लिए H2 3 होगा, तो इसीलिए आप लोग 2NH3 लिख सकते हो। जिसका जो बैलेंसिंग होगा वो बाद में आप लोग समझ के कर सकते हो, लेकिन ये सबसे पहली बात ये है कि आपको कितने रिएक्शंस H2 के होते हैं वो समझ में आने चाहिए। अब दोस्तों ये हाइड्रोजन भी आपने देखा क्या था, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा था और नाइट्रोजन तो खुद इनर्ट है, तो अब ये दोनों का रिएक्शन करवाना है तो आपकी यहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत भारी होनी चाहिए और इसीलिए इसका कुछ टेम्परेचर 673 केल्विन लेते हैं और 200 बार प्रेशर, ATM बार ले लो या ATM सेम है। एंड कैटलिस्ट जो है नहीं लेते हम, Fe ही ले सकते हैं, आयरन लेते हैं या तो आयरन ऑक्साइड ऐसे कैटलिस्ट लेते हैं। इसके अंदर हमें ऐसा लगेगा कि सर निकल प्लेटिनम ये भी तो कैटलिस्ट है, तो उनको क्यों नहीं लेते हैं? देखो दोस्तों, सबसे पहले जब रिएक्शन मैच करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं ये साइंटिस्ट, ये किया है बेचारे हैबर ने। किसने किया है? हैबर। तो हैबर ने बेचारे ने ऐसा एक सिस्टम सेट करने का ट्राई किया। उसने देखा कि मैं अमोनिया बनाना चाहता हूँ तो मुझे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वाला दो एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए उसने सारी की सारी मतलब आपने जो बोला निकल प्लेटिनम वो सब कैटलिस्ट भी यूज़ तो कर लिए है उसने, लेकिन उसको सेट नहीं हुआ, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा रिएक्शन में जितना उसको चाहिए। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो आपने बताया था ना, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन प्रेशर एंड कैटलिस्ट इन व्हाट? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे ली चैटेलियर का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड सेट जो होता है ना,
तो वो ये है, इसीलिए उसने हमें ये डायरेक्टली अमोनिया दे दिया है दोस्तों, और वो बन रहा है तब भी वैल्यू ऑफ डेल्टा एच -92.6 किलो जूल पर मोल हमें मिलता है। ओके, तो ये समझना होगा आपको, क्लियर हो गया है। तो हम आगे जा रहे हैं, हेबर प्रोसेस है, याद रखना, अब मत बताना बोलना कि मुझे पता नहीं है। चलो, रिएक्शन विथ मेटल। भाई मेटल कौन होता है? जब मेटल आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से M प्लस और इलेक्ट्रॉन बनेंगे, है ना? तो यहाँ से जो H है वो टूट के MH बनेगा। क्या बनेगा? MH। ये MH क्या होता है दोस्तों? MH होता है मेटल हाइड्राइड। तो ये मेटल कौन है? एम अल्कली है, सही है? तो अल्कली है तभी तो MH मिला। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल लिया होता तो MH2 मिलता ना हमें। समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लियर है? रिएक्शन विथ मेटल आयन। तो ये मेटल आयन हम ले रहे हैं एम प्लस एन, उसमें लिया हमने पीडी प्लस टू, पैलेडियम। क्या लिया? मेटल आयन वर्ड सुना आपने? मेटल आयन, सिर्फ एम होता है तो मेटल, लेकिन उसके सिर पे प्लस या माइनस कभी नहीं आता मेटल के सिर पे। समझ में आया कि नहीं? सही बात है। लेकिन सुनो, मेटल जो होता है वो ऑलवेज प्लस होता है। अगर प्लस हुआ सिर पे तो समझ लो कि वो आयन है, और उसका रिएक्शन डाइहाइड्रोजन से हम कैसे करते हैं? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, पी डी प्लस टू प्लस H2 चलेगा, ऐसा चलाना पड़ेगा। तो अब इस हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, किसने? पीडी ने, और आपको पीडी प्लस टू में से पीडी मिल जाता है, और वो हाइड्रोजन खुद क्या बन जाता है? 2H+। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है? हाँ या ना? भाई यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, कौन से आयन को आप यहाँ पे मेटल में कन्वर्ट कर सकते हो? वहां पे एक सेंटेंस लिखा है, देखो, इट रिड्यूस्ड सम मेटल आयन इन एक्वायस सॉल्यूशन। वो तो देख लिया, रिड्यूस करता है ना। देखो, पीडी प्लस टू में से पीडी बनना, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो वो रिडक्शन हुआ। एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल लेस एक्टिव देन आयन फॉर्म इन टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल। अच्छा, ये ऑक्साइड की बात कर रहे हैं अभी, तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये सिर्फ पहली बात हो गई कि मेटल आयन कन्वर्ट इन टू मेटल, मतलब ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। अब मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है इधर, तो चलो देख लेते हैं हम। मैं आपको देख सकता हूं इधर MXOY, MXOY प्लस H2 क्या बनेगा दोस्तों? MXOY प्लस H2 क्या बनेगा? ये ऑलरेडी M जो है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लस Y है कि नहीं है? है। तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
तो वो खुद क्या बनेगा, मेटल बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन माइनस बन के निकलेगा और हाइड्रोजन तो प्लस था, तो क्या बनाता है वो, H2O। तो आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आप बैलेंस करना चाहते हो यहाँ पे तो X कितने हैं, तो M कितने हैं, X जितने, तो मैं इसको X कर लेता हूँ, और ये हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, अगर ये OY है तो मैं H2O को Y कर लेता हूँ, तो Y H2 करने पड़ेंगे ना हमें। बच्चों समझ में आ रहा है, बढ़िया सा लॉजिकल और इंटरेस्टिंग चीज आई दोस्तों। वेजिटेबल ऑयल कितने बच्चों ने देखा है, रेज योर फिंगर्स। यस, हम जो खाते हैं ऑयल जो वेजिटेबल में से मिलता है, नॉट अ फिश ऑयल, तो वो लाइक कॉटन सीड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, तो ये जो ऑयल्स है वो हमारे क्या है, वेजिटेबल ऑयल बोले जाते हैं, जो हम खाने में यूज करते हैं। रेडी, कोकोनट ऑयल भी खाते हैं लोग, और वो क्या बोलते हैं, राई को, मस्टर्ड ऑयल, ओके। तो ये सब खाने के वेजिटेबल ऑयल है। तो भाई आपको पता है, आपका हाइड्रोजन ये वेजिटेबल ऑयल के साथ जब रिएक्ट करता है कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो आपको क्या देता है, आपने नहीं देखा है, लेकिन वो कैटलिस्ट कौन है, निकल है, निकल। अगर आपने वेजिटेबल ऑयल को, ऑयल का निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन किया ना, तो आपको क्या मिलेगा, वेजिटेबल घी। वनस्पति घी नाम सुना है, जिसको सब लोग डालडा घी बोलते हैं, है ना। तो आप घर पे भी बना सकते हो ये, है, बाजार में से निकल पाउडर लेके आओ और वो सिलेंडर वाले से H2 लाओ, और ऑयल तो है ही घर पे, दोनों को मिक्स करके थोड़ा बहुत हीट कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, वनस्पति घी। उसका दूसरा नाम है एडिबल फैट, ओके। तो कैसे बनता है ये, कैसे बनता है दोस्तों, तो समझ में आ गया है। तो ये चीज ओके, तो लास्ट आ रहा है टॉपिक हमारा, लास्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, कि भाई ये थोड़ा सा रिएक्शन जो है ना हमारा ऑर्गेनिक वाला, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लास्ट, सेकंड लास्ट अगर देखोगे तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन हमने लिया है, R, एक मिनट, R, CH, डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम उसका रिएक्शन हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे, तो ये आप समझ नहीं सकते, ऐसा एक रिएक्शन होके ये पूरा जो है ना आपका, ये तो एज इज इट इज रहता है, लेकिन ये इसका तो रिडक्शन हो गया, ये क्या हुआ, ड्यू टू हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोक्साइड यहाँ पे जुड़ने की वजह से CHO बनता है। इसका प्रॉपर कैसे क्या जुड़ जाता है उसमें अगर देखोगे, तो सिर्फ दो हाइड्रोजन इसमें ऐड हुए, देखो, है ना, और एक ऑक्सीजन कार्बन मोनोक्साइड के साथ ऐड हो गया, तो ये मिल गया आपको
अल्डिहाइड है ये, आर मीन्स क्या है दोस्तों? अगर आपको डाउट है आर, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको ये ध्यान रखना है, इट इज अल्काइल वर्ड, और इंस्टीड ऑफ अल्काइल वी कैन पुट देयर CH3, और CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, दो कार्बन वाला होगा तो इथाइल एटसेट्रा। ओके, तो ये आर मीन्स अल्काइल है। चलो आगे जा रहे हैं हम, कि भाई यही आपका अल्डिहाइड आगे क्या करता है, अगेन रिएक्शन करता है H2 के साथ, तो दोस्तों वो रिड्यूस होके अल्डिहाइड कैन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। ये बहुत ही डिटेल में आप फ्यूचर में 12th में पढ़ोगे कि अल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या बन जाता है, अल्कोहल। तो ये है अल्कोहल। सर इसको अल्डिहाइड क्यों बोला? कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा, है ना? है डाउट किसी को तो बताओ, वरना चलेगा। व्हाई वी आर सेइंग दीज आर द अल्डिहाइड? तो जब मैंने अल्डिहाइड बताया, तब किसी के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है दोस्तों, DSCHO ग्रुप जिसमें होता है, जो कंपाउंड में DSCHO ग्रुप होता है उसको अल्डिहाइड बोलते हैं, और ये है DSOH ग्रुप। ऐसे ग्रुप होते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आएंगे फ्यूचर में, तो आपके 10th में भी होगा शायद, सुना होगा समझा होगा कहीं पे, लेकिन ये आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इसका नोमेनक्लेचर ऐसे कर सकते हो। अगर दोस्तों क्लियर है, तो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी है, H2, वो यहाँ पे क्लियर होते हैं। ओके हो दोस्तों? ओके ना? तो प्रैक्टिस वर्क के अंदर आपको 9.1 का प्रॉब्लम करना है। ओके तो वो ट्राई करना, वो इजी है, मजा आ जाएगा आपको। आगे देख रहे हैं हम भाई, यूजीस है, तो मैं यूजीस सीधा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, है ना? जो यूजीस है ना, इसके इसके हम सीधे एक्सप्लेन करेंगे। देखो पहला, ऑलमोस्ट हमने सारे यूजेस देख लिया है, इसीलिए मैं ऐसे ही करना चाहूँगा। द लार्ज सिंगल यूज ऑफ डाईहाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। क्या आपने कहीं पे देखा है अमोनिया बनाना है? तो ये रहा ना अमोनिया बनाने वाली प्रोसेस, हेबर प्रोसेस, विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये आपने नहीं देखा, ये आप 12th में पढ़ोगे। ओके, और एंड नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर यूरिया है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, तो दीज आर कंटेन्स अमोनिया, एंड अमोनिया इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम डाईहाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों एक बता देते हैं हम, H2 में से हमें अमोनिया मिलेगा, और अमोनिया में से हमें नाइट्रिक एसिड भी मिलेगा, फर्टिलाइजर्स भी मिलेंगे। ओके है दोस्तों, है कि नहीं है? डाइहाइड्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ वनस्पति फैट बाय हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजिनेशन? तो ये सारी चीजें आप लोग निग्लेक्ट मत करना, H2 ऐड करना। करना क्या लिख रहा है इधर, यहाँ पे वर्ड लिखा है ऑफ पोली अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल लाइक सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। तो भाई ये वर्ड एक लिखा है, कौन सा? पोली अनसेचुरेटेड, ये क्या मीनिंग होता है? मतलब ये जो आपका वेजिटेबल घी होता है ना, वो अनसेचुरेटेड होता है,
मतलब उसमें ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, एक होगा तो सिर्फ अनसेचुरेटेड, एक दो होंगे तो, लेकिन उससे भी ये लॉन्ग चेन प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें से फैट बनना है ना, इसीलिए इसमें मोर डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलोगे आप, पॉली अनसेचुरेटेड। चलो, इट इज यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल लाइक मिथेनॉल, मिथेनॉल बनाने में यूज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ H2, हाँ, गिव कोबाल्ट एंड कैटलिस्ट CH3OH, मिथेनॉल। ये प्रोसेस हमने आगे देख लिया, देखा है वाटर गैस वाले में, तो ये हाइड्रोजन ही तो था उधर, तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर मिथेनॉल। तो आप लोग स्पेसिफिक कर सकते हो अमोनिया, फिर वेजिटेबल घी, फिर मिथेनॉल, समझ में आया। इट इज वाइड यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल हाइड्राइड, मतलब कौन, MH, ये देखा ना आपने, ये वाला प्रोसेस, तो मेटल हाइड्राइड। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो आपने HX वाला रिएक्शन देखा ना पहला वाला, और वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों ये इसीलिए मैंने नहीं समझाया, और कुछ ज़रूरी वर्ड ही आपको समझा दिए हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, चल, इसका भी ले लिया है ना, ले लिया ना? चलो, फिर अगर इसको आगे ले जा रहे हैं हम, इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये क्या प्रोसेस हुई, मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर, तो उसी वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस। इट इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल, तो ये भी तो देखा ना, M2MXOY गिव्स M, देख लिया आगे रिएक्शन, और एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब H2, एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब कौन, ओनली H, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, मतलब क्या, ये क्या बताना चाहते हैं पता है, आपने गैस वेल्डिंग नाम सुना है, गैस वेल्डिंग, पहले क्या लेते थे ये लोग, स्ट्रिप लेते थे वेल्डिंग करने के लिए, लेकिन आजकल लेटेस्ट वर्जन में गैस वेल्डिंग इज मोस्ट यूजफुल टू मेक अ वेल्डिंग बिटवीन टू मेटल्स। तो वो गैस वेल्डिंग में क्या होता है कि डाइहाइड्रोजन गैस जो होता है H2, उसको ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में हीट करके, गर्म करके, उसकी जो फ्लेम आती है ना, वो इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि उसको अगर आप मेटल पे रखोगे तो मेटल कट भी हो सकता है। वो कट करने के लिए चोर लोग यूज़ करते हैं, हाँ, पूरी तिजोरी को काटते हैं ना दरवाजे के साथ, तो वो यूज़ होता है। और एक है वेल्डिंग पर्पस, रेडी दोस्तों, तो वेल्डिंग में यूज़ होता है, तो ये ध्यान में रखना, दो जगह पे ये आपका ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च या तो फ्लेम यूज करते हैं हम। एटॉमिक हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन, एटम कैसे बनते हैं, तो डिसोसिएशन बनेंगे ना, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। उसके अलावा तीन मेथड है, दो मेथड और है, टेम्परेचर को ज़्यादा रखो और यूवी रेडिएशन दे दो, आर अलाउड टू रिकमेंडेड ऑन द सरफेस टू बी वेल्ड टू जनरेट द टेम्परेचर अप टू दिस। इलेक्ट्रिक अर्क की वजह से भी आपका वहां पे पास तो हम कर रहे हैं H2 ऑक्सीजन के साथ, समझ में आया, लेकिन H2 को इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनको H में, तो ये आर्क देते हैं, इलेक्ट्रिक अर्क।
जो कितने टेम्परेचर तक चला जाता है, 4000 केल्विन। और इसीलिए समझ लिया आपने, इसीलिए ये जो है ये हाइड्रोजन जलता है उस टाइम और हमें टेम्परेचर ज़्यादा देता है। सो वी कैन कट एंड वेल्ड द मेटल्स। फिर इट इज यूज टू रॉकेट फ्यूल, स्पेस रिसर्च। भाई आपको पता है नहीं है लेकिन मुझे तो पता है कि स्पेस रिसर्च करना है तो रॉकेट के फ्यूल में, रॉकेट तो ले जाना पड़ता है ना स्पेस में जाना होता है, तो रॉकेट में क्या पानी ले जाओगे? नहीं, उसके अंदर कुछ फ्यूल के बिना आपका रॉकेट उधर नहीं जा पाएगा। तो वहाँ पे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल वो नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि सर एयर नहीं होती। तो क्या हाइड्रोजन बिना एयर क्यों चलेगा? कोई भी चीज बिना एयर को नहीं चलती, इसीलिए हम इसको इसीलिए ले जाते हैं हाइड्रोजन को, कि वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से ज्यादा एनर्जी देता है, पहली बात, कंबस्ट होने से। दूसरी चीज ये है कि वो लाइट है, इसीलिए हमें वहां पे ले जाने के लिए मास ज्यादा नहीं लगेगा जितना पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का लगता है। समझ में आया? तो इसीलिए रॉकेट फ्यूल में ज्यादातर हाइड्रोजन यूज होता है। कितना काम करे, कितना बना रहे। इट इज यूज टू, डायहाइड्रोजन इज यूज इन द फ्यूल सेल। अब ये नया वर्ड है आपके लिए, फ्यूल सेल क्या होता है दोस्तों? फ्यूल सेल, रॉकेट फ्यूल है ना, हाया ना, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, मेटलर्जी, कल प्रोसेस। अच्छा, फ्यूल सेल आपने देखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूं वो क्या है। हाइड्रोजन पास करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी, जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन सीधा। और जैसे हमें पता है कि थर्मल पावर स्टेशन क्या करता है, तो सबसे पहले कोल को जलाता है ना, तो हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है। तो हीट एनर्जी से वो क्या करता है? पानी को गर्म करता है और उसकी स्टीम बनती है, और स्टीम को टरबाइन पे कुछ गिराता है तो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और दैट मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें वेस्टिंग ज़्यादा होता है, ये इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस है कि इसके अंदर ज़्यादातर क्या होगा? वेस्ट ज़्यादा होगा। तो उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, कि भाई अगर आपको सीधा हाइड्रोजन जलाओ, इलेक्ट्रिसिटी गेन करो, जैसे पेट्रोल जलाओ जनरेटर के अंदर और सीधा इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, वैसे ही आप इसके अंदर भी देखो, जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैनी एडवांटेज ऑफ दिस कन्वेंशनल फॉसाइल फ्यूल, द इलेक्ट्रिक पावर, इट डजंट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन। अच्छा, तो कार्बन, अगर कोल जलाते हो आप तो क्या पॉल्यूशन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, दूसरी चीज़ वो आवाज़ ज़्यादा करता है, तीसरी चीज़ कि उसका स्पेसिफिक एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो इसीलिए ये डिसएडवांटेज इसके ज़्यादा है। इसके सामने अगर हाइड्रोजन को रख दोगे तो वो क्या नहीं करता? पॉल्यूशन नहीं करता। दूसरा, उसका आवाज़ नहीं होता, नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता, और उसकी जो एफिशिएंसी है वो उससे ऑलमोस्ट 75% है, ध्यान में रखना। वो उसकी तो बहुत कम है, 45 या 50% जितनी है। कि अगर आपने सोचा है कि ये मैंने 100 ग्राम कोल लिया तो इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन आपको कितनी मिलती है? सिर्फ 45%।
लेकिन अगर आपने ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज़ किया है तो उसके अंदर 75 से भी ज़्यादा परसेंटेज आपको मिलती है एनर्जी। इट डजंट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन, रिलीज्ड ग्रेटर एनर्जी पर यूनिट, समझ में आया, ऑफ फ्यूल इन कंपैरिजन टू द गैसोलिन और अदर फ्यूल। इसीलिए हाइड्रोजन हमारा सोर्स है फ्यूचर का, और उसका प्रोडक्शन अगर बढ़ गया, अच्छे से सेट हो गया, तो समझ लो कि एनर्जी को हम बहुत सस्ता कर सकते हैं। अगर हम आगे देखते हैं दोस्तों, ओके है, हाइड्राइड को देखते हैं। देखो चलो, हाइड्राइड क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्राइड, तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाइड्राइड ये राइट साइड पे देखो, दिखाई दिया, नंबर वन, नंबर टू, एंड नंबर थ्री। दोस्तों ये तीन हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड, H2O मतलब ऑक्सीजन का हाइड्राइड, और क्रोमियम का हाइड्राइड। लेकिन दोस्तों ये तीनों इतने डिफरेंट हैं कि उनकी प्रॉपर्टी भी थोड़ी थोड़ी अलग है, उसका रहन सहन अलग है, वो किसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जैसे हमको बताया गया है, हमें EHX बनता है हाइड्राइड, या तो EMHN बनता है। ये क्या मीनिंग हुआ, EMHN। कभी कभी क्या होता है कि सर हाइड्रोजन तो खुद अकेला ही है, तो वो तो EHX ही बनेगा क्योंकि वो प्लस वन और माइनस वन बनेगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, सपोज बोरॉन है, बोरॉन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, तीन, तो हमें क्या मिलेगा, BH3। लेकिन ये BH3 वो ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी डाइमर में है, मतलब क्या हुआ ये डाइमर, मतलब क्या, टू मोनोमर्स, टू यूनिट्स ऑफ दिस इज कंबाइंड विथ ईच अदर एंड गिव्स द मॉलिक्यूल लाइक B2H6। सो वी कैन राइट EHX। अगर आपने अल्कली लिया है तो EH, अल्कलाइन अर्थ मेटल लिया है तो EH2, समझ में आया, ऐसे वो हाइड्राइड मिलेंगे आपको। और EMHN का मीनिंग कैसे हुआ वो भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पे आपके स्पेसिफिकली तीन तरह के ऑक्साइड हाइड्राइड मिलते हैं इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट आयोनिक और सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। सुनो दोस्तों, कैसे हाइड्राइड बनते हैं कि आयोनिक मतलब थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे NaCl होता है वैसे। सलाइन, यस, सलाइन मतलब सॉल्टी वाटर ही बोलते हैं। सलाइन सॉल्यूशन को मतलब क्या बोलोगे आप, सॉल्टी। एंड सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, तो जो सॉल्ट हो। तो इसके अंदर मैं आपको इनिशियली सिर्फ बता देता हूँ जितना मैं समझता हूँ, ग्रुप वन एंड टू के हाइड्राइड, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड के जितने भी हाइड्राइड बनेंगे वो सब कैसे होंगे, आयोनिक होंगे, या तो सलाइन होंगे, या तो सॉल्ट लाइक होंगे, मतलब ये फर्स्ट टाइप के बनेंगे। चलो दोस्तों समझ में आया है आपको। अगर आपको दूसरा है कोवेलेंट, सुनो, कोवेलेंट हाइड्राइड मतलब क्या, बिटवीन हाइड्रोजन एंड दैट एटम कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, उसमें आयोनिक बॉन्ड बनता होगा ऊपर। मतलब आपका ये ग्रुप वन और टू में कौन कौन आता है, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, और कौन आता है, बेरियम, कैल्शियम। तो ये सब एलिमेंट का जो हाइड्राइड है दे आर आयोनिक।
बट कोवेलेंट के अंदर मुझे बताया जा रहा है आपको कि मैं बताना चाहता हूँ H2O NH3 है कि नहीं, तो ये इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, CH4। तो ऐसे पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ये ग्रुप 1-2 मतलब कौन सा ब्लॉक आएगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट। और ये मेटालिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड की बात हो रही है तो वो कौन होगा, तो वो आपका होगा दोस्तों बचा हुआ कौन सा ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक। तो ये आपका जो है क्रोमियम, देखो इधर सोडियम हाइड्राइड कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप वाला सोडियम है, H2O पी ब्लॉक, और ये क्रोमियम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम तीन तरह के हाइड्राइड्स बना सकते हैं। आज हम सबसे पहला वाला आयोनिक देख लेते हैं, तो देख सकते हो क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आपको जो समझना है वो तो समझ ही लिया आपने। समझना क्या है कि ये आयोनिक है, मतलब कैसे आयोनिक है, ग्रुप एस, इसीलिए देखो देयर आर अ स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉर्म विद द मोस्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वो आ गया एस ब्लॉक, विच आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसीलिए तो उसको आपने क्या लिखा है यहाँ पे आयोनिक इन कैरेक्टर। हाउ एवर सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन द लाइटर मेटल, कुछ लाइटर मेटल होंगे ना हल्के हल्के, तो उसके अंदर कौन सा वो बॉन्ड दिखता है आपको, कोवेलेंट नेचर लगता है, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर कोवेलेंट के साथ साथ आयोनिक नेचर भी रहता है, तो ये इसके लिए है, और आयोनिक के साथ साथ कोवेलेंट भी रहता है। LiH सच एज LiH समझ में आएगा, BeH2 MgH2, इनफैक्ट BeH2 एंड MgH2 आर पोलीमेट्रिक, हाँ पोलीमेरिक, मतलब क्या भाई पोलीमेरिक, ये वर्ड MCQ है, MCQ है, अंडरलाइन कर लो इसको। ऐसा लिखा जाता है पोलीमेरिक में BeH2N, रेडी ऐसे लिखा जाता है। आगे इन आयोनिक हाइड्राइड द क्रिस्टलाइन, ये कैसे होते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड के जैसे, नॉन वॉलेटाइल मतलब वॉलेटाइल नहीं हो रहे, नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, भाई ये सोडियम क्लोराइड के जैसा ही हुआ, सोडियम क्लोराइड क्या कंडक्टर है सॉलिड फॉर्म में नहीं है, बट हाउ एवर देयर मेटल सॉरी देयर मेल्ट्स, अगर वो मेल्ट होंगे तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। कितने बच्चों को समझ में आया ये, मेल्ट करेंगे तो कू करेंगे वो, क्योंकि वो क्या है आयोनिक है, तो वो आयोनिक है तो जब मेल्ट करोगे तो आयन ही रहेंगे और इसीलिए वो कंडक्ट कर सकता है। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस दोस्तों लिबरेट डाइहाइड्रोजन गैस एट एनोड, ये अंडरलाइन कर लो, रट्टा नहीं मारना है आपको, मैं समझा रहा हूँ। चलो ये इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड आया तो आप लोगों को तो पता है कि हमें क्या पता है, क्या पसंद है इसके अंदर, सर आपने क्या लिया है, सपोज मैंने NaH लिया है सोडियम हाइड्राइड, चलो और ये कौन है एनोड और ये कैथोड, सोडियम हाइड्राइड में Na प्लस और H माइनस है इधर। अब देखो दोस्तों ये एनोड आपका पॉजिटिव था और कैथोड नेगेटिव था, तो यहाँ पे H माइनस है तो वो माइनस एनोड की ओर जाके क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज होगा ना, H माइनस में से H2 बनना, दैट इज इलेक्ट्रॉन लूज करना, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन होके H2 बनना, सुन लेना, वरना हाइड्रोजन ऑलवेज कहाँ मिलता है, कैथोड पे ही मिलता है, लेकिन ये हाइड्राइड जब होगा तब आपका हाइड्रोजन तो नेगेटिव होगा,
तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब कौन, एनोड की ओर जाके आपको क्या मिलेगा, डाइहाइड्रोजन गैस, जो आपको मैंने रिएक्शन भी नीचे करके दिखाया है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैंने सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन पानी के साथ किया है, बताओ क्या मिलेगा हमें? आपको लॉजिक सुनना है, यहाँ पे देखो दिख रहा है सबको, तो कुछ भी नहीं दोस्तों, इसको प्लस माइनस करो, सोडियम हाइड्राइड आयोनिक है तो उसको प्लस माइनस करेंगे, और इसमें से एच प्लस एंड ओ एच माइनस। कभी कभी मैंने बहुत बार देखा है जब मैं बच्चों को पूछता हूँ कि चलो ये रिएक्शन कंप्लीट करो, तो वो रट्टा मार के बैठे होते हैं, लेकिन वो जितने भी रिएक्शंस आते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर प्लस माइनस करते हैं। तो वो प्लस माइनस अगर आपके सामने है, एक चीज़ समझ लो दोस्तों, ए और बी मॉलिक्यूल जब जुड़ना चाहते हैं तो सीधा ये टकराएंगे और ए बी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि ए का पॉजिटिव आयन वो बी के नेगेटिव के साथ जुड़ता है, और बी का नेगेटिव आयन ए के पॉजिटिव के साथ जुड़ता है, तो यू गॉट हियर एन ओ एच, और एच प्लस सॉरी एच माइनस, एक मिनट, यस यस, यहाँ पे क्या है सर, ये एच माइनस है और इसका एच प्लस, वो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एच टू गैस मिलेगा। तो ये भी आप देख सकते हो, सोडियम हाइड्राइड पानी के साथ बहुत खराब रिएक्शन है, वॉलेटाइलली वायोलेंटली रिएक्शन करता है, वायोलेंटली, और ये हमें डाइहाइड्रोजन गैस मिलता है। लिथियम हाइड्राइड इज राधर अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर विथ ओ टू और सी एल टू बाई एल आई एच। अगर आप ओ टू और सी एल टू के साथ रिएक्शन करना चाहोगे तो कैसे है वो, अनरिएक्टिव है, इट इज देयर फॉर यूज इन द सिंथेसिस ऑफ देयर यूजफुल हाइड्राइड, तो इसीलिए ये नॉन रिएक्टिव रिएक्शन नॉट अकर्स। बट लिथियम हाइड्राइड देखो रिएक्ट विथ ए एल टू सी एल सिक्स, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा है लिथियम बोरॉन हाइड्राइड, ये बनाता है, और ये जो है ये दोनों आपके क्या है, मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, एल आई ए एल एच फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल आई बी एच फॉर लिथियम बोरो हाइड्राइड, तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है दोस्तों, ये दोनों क्या है, फ्यूचर में आप लोग इनको यूज़ करने वाले हो, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके है दोस्तों। कोवेलेंट नेचर मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की बात हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू दोस्तों।